अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू रेसिपी, गाजर का मुरब्बा। बहुत मज़ेदार बनता है और हेल्दी भी होता है और झटपट तैयार हो जाता है। तो आज मैं इसे बिल्कुल न्यू स्टाइल में बनाऊंगी, गन्ने के रस से बनाऊंगी। और अगर आप भी ऐसे बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। तो गर्मियों में आप इसे बना के रख लीजिए, जैसे कि अब रोज़े आ रहे हैं तो रोज़ों की तैयारी के लिए भी आप इसे रख सकते हैं। 1 माह के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये लिए हैं तकरीबन 1 किलो के करीब, मेरे पास ये गाजरें हैं मीडियम साइज़ की। तो आपने भी ना गाजरें मोटी लेनी है और ना बारीक हो, तो बस दरमियाने साइज़ की लेकर हमने अच्छी तरह से इसको धो के छिलके उतार के काट के इस शक्ल में हमने इन्हें काट लेना है। और इसके बाद फिर हमने एक देगची में पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था और इसके अंदर हम सारी गाजरों को डाल के इन्हें बॉयल करेंगे, ताकि इतना बॉयल करना है कि ये सॉफ्ट हो जाएं। तो सारी गाजरें हमने ऐसे ही डाल के तो इन्हें 5 मिनट के लिए बॉयल करना है। तो 5 मिनट गुजरने के बाद हम चेक करेंगे कि ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो कांटे की मदद से इनको चेक करके देखते हैं, तो कांटा जो है अच्छी तरह से अंदर चला जाता है, तो इसका मतलब है ये पक चुकी हैं। अब फ्लेम बंद करके इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे छन्नी में डाल के, ताकि इनका जो सारा पानी है अच्छी तरह से हमने खुश करना है इन्हें। तो इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से इन्हें 10-15 मिनट के लिए हम ऐसे ही रख देंगे, ताकि जो पानी है एक्स्ट्रा वो सारा निकल जाए और बिल्कुल ये खुश्क हो जाए। तो दूसरी तरफ मेरे पास ये था गन्ने का रस। तो ये गन्ने का रस जो होता है हमने स्पेशल इसी के लिए मंगवाया है। तो ये गन्ने का रस जो है, गुड़ बनाने से पहले जब इसको बड़े सारे कढ़ाई में डाल के पकाते हैं, गुड़ बनाने से पहले तो वो वाला हमने लेना है। तो अगर इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आएगा। तो दूसरी तरफ गाजरे जो थी, अच्छी तरह से सारा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। और एक बड़ी सारी ट्रे में इसे फैला देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि ये ठंडी भी हो जाए और जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी इनका खुश्क हो जाए। तो इसके बाद फिर हमने इसके अंदर कांटे की मदद से ऐसे सब कट लगा देने हैं सारी गाजरों के अंदर, ताकि जो शीरा है अच्छी तरह से सब गाजरों के अंदर चला जाए और बहुत अच्छा बन के तैयार हो ये। तो सारी गाजरों को ऐसे ही हमने कट लगा लेने हैं कांटे की मदद से और सब लग चुके हैं। फिर इसके बाद मैंने देचकी में लिया है गन्ने का रस, तकरीबन ये 2 गिलास के करीब है। तो इसे हम अच्छी तरह से पकाएंगे। तो इसके अंदर मैंने 2 इलायची डाल दी है, ताकि अच्छी सी खुशबू आए इलायचियों की। तो इसे चम्मच को हिलाएंगे और ये पक चुका है। तकरीबन 1 या 2 मिनट हमने इसे करना है बॉईल करना है। उसके बाद फिर जितनी भी गाजरें हैं सारी इसके अंदर डाल के तो हमने इसको स्लो फ्लेम पे पकाना है आहिस्ता आहिस्ता, ताकि जो है शीरा अच्छी तरह से इनके अंदर जज़ब हो जाए और गाजरें भी सॉफ्ट हो जाएंगी जब तक। और इसकी क्वांटिटी जो है वो आधी रह जाएगी, उस वक्त तक हमने इन्हें पकाना है। तो देखें पक चुकी हैं। अभी मैंने थोड़ा सा इसे और कुक करूंगी। तो इसके बाद फिर हमने इसके अंदर डाल देना है रोज़ वाटर, 1 चम्मच के करीब रोज़ वाटर हमने डाल देना है और इसको हलाएंगे। और रोज़ वाटर इसलिए डाला है ताकि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आए। तो देखें ये पक चुका है, फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अब हम इन्हें एक बाउल में बाहर निकाल लेते हैं। तो मेरे पास थे कुछ बादाम थे और किशमिश थी और कोकोनट था, मैंने काट के बारीक बारीक रखा हुआ, इसके ऊपर वो डाल देंगे तो बहुत अच्छा, ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ठंडा करके इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी और हेल्दी भी होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें।